हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आलू उबालेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत कम पानी में आलू उबाल कर दिखाए थे, तो आज हम बिना पानी के आलू उबालेंगे। तो गाइस ये देखिए, मैंने कुकर ले लिया है और ये बिल्कुल खाली है और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। गैस को ऑन कर देंगे। एक चम्मच हम रिफाइंड डालेंगे। तो गाइस ये देखिए, मैं 1 किलो आलू उबाल रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाला है, छोटी 1 चम्मच। और गाइस ये बड़े आलू हैं तो आप इनको काट कर भी ले सकते हैं और साबत भी ले सकते हैं। तो इनको हम बड़े आलूओं को हम सबसे नीचे रखेंगे और मैं आपको पूरे आलू उबाल कर दिखाऊंगी। 1 चम्मच में हम 1 आलू उबालेंगे। अगर हमें ज़्यादा आलू उबालने हैं तो थोड़ा सा रिफाइंड हम और डाल देंगे। तो बड़े आलू मैंने, छोटे आलू मैंने ऊपर रख लिए हैं। तो उसके बाद गाइस क्या करेंगे, एक ये देखें मैंने कॉटन का हैंकी ले लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का, या फिर जो हम किचन में यूज करते हैं उसको भी ले सकते हैं। तो ये मैंने कॉटन का कपड़ा और इसको पानी में डिप किया है और इसको हम अच्छी तरह पानी से निचोड़ लेंगे और कपड़े की हम 4 फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, जितना कि आलू को हम कवर कर सकें इस तरह से, और आलू पर ढक देंगे। और गाइस इसकी हम 1 सीटी लगवाने के बाद इसको सिम कर देंगे गैस को। और अभी गैस हमारी तेज़ है और कुकर भी हमारा गर्म हो गया है। कुकर गर्म होने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे और अब हम 1 सीटी आने के बाद गैस को सिम करेंगे। पहले 1 सीटी लगवा लेते हैं। तो गाइस 1 सीटी आ चुकी है। 1 सीटी आने के बाद हम गैस को सिम कर देंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे सिम पर। हमने गैस सिम इसलिए की है क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाला है, तो अगर हम तेज़ आंच पे इसको पकाते हैं तो आलू हमारे कुकर में लग जाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पर बनाओगे तो गैस भी हमारी ज़्यादा खर्च होती है, और इस तरह से हम कम आंच पर बनाएंगे तो गैस भी हमारी बचेगी और टाइम भी बचेगा। तो गैस गैस पर पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं और मैंने सेम गैस पर इसको पकाया है 1 सीटी आने के बाद। तो अब गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के बाद हम ओपन करेंगे। तो ठंडा कर लेते हैं कुकर को। तो गैस कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। तो गैस कपड़ा हमारा गर्म है तो हम इसको चिमटे से निकाल लेंगे। तो गैस कपड़े पर आलू की मिट्टी लगी है, इसको हम बाद में साफ कर सकते हैं, ये एकदम साफ हो जाएगा। आलू निकाल लेंगे, गर्म है तो हम चिमटे से निकालेंगे इनको। और देख लेते हैं गाइस किस तरह से हमारे आलू उबल गए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको छील कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, इसमें जो हमने 1 चम्मच रिफाइंड डाला था वो हमारे आलूओं ने अब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो आलू मैं आपको छील कर दिखाऊंगी कि आलू हमारे किस तरह से पक गए हैं। तो ये देखिए गाइस, आलू हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अभी थोड़ा गर्म है। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम आलू पका सकते हैं और अच्छी तरह से हमारा आलू पक गया है। और ये मैं आपको एक छील कर दिखाती हूँ। और गाइज एक टिप्स मैं आपको देती हूँ, जब भी हम आलू पानी में उबालते हैं तो उनको पानी में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और पराठे में हम उनको भर नहीं सकते फिर। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और मैंने तो बिना पानी में उबाल कर दिखाए हैं, आप इसको किसी तरह भी कुकर में छोड़ सकते हैं।
तो ये देखिए गाइज आलू हमारे सारे उबल गए हैं अच्छी तरह से। तो गाइज ये देखिए आलू हमारे उबल गए हैं और इसी तरह से हम सारे आलू छील लेंगे। तो गाइज ये देखिए मिनटों में हमारे आलू उबल कर तैयार हैं और ना ही ज़्यादा गैस लगी है और ना ही समय लगाया ज़्यादा। ज़्यादा पानी डालते हैं तो पहले पानी को गर्म करना पड़ता है और फिर आलू उबालने पड़ते हैं, गैस और समय दोनों ही हमारा बहुत लग जाता है। तो गाइज ये मैंने आलू आपको बिना पानी में उबाल कर दिखाए हैं और अच्छी तरह पक कर हमारे आलू तैयार हैं। तो गाइज इसी तरह से आप भी घर पर इसे ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि आपका कैसा अनुभव रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।